अम्बाला में चल रही सेना में ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में 17 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। परीक्षा सेना के खड़गा स्टेडियम में चल रही थी। अम्बाला कैंट थाने की तोपखाना बाजार चौकी की पुलिस ने सूबेदार अखिलेश्वर कुमार की शिकायत पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। परीक्षा में हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान समेत देश भर से 2000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। सूबेदार अखिलेश्वर कुमार ने बताया कि परीक्षा गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक हो रही थी। परीक्षा में निरीक्षक के तौर पर उनकी ड्यूटी लगी थी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि एक परीक्षार्थी मोबाइल के जरिए किसी से बात कर रहा था और पेपर सॉल्व कर रहा था। इसके बाद सभी परीक्षार्थियों की जांच की गई तो 16 और परीक्षार्थी मोबाइल के जरिए पेपर सॉल्व करते पकड़े गए। पकड़े गए अधिकतर परीक्षार्थी यूपी, हरियाणा और राजस्थान के बताए जा रहे हैं। पुलिस अब इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इनका मास्टरमाइंड कौन है, इनके नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं, इनके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं। पुलिस ने कोर्ट से 6 आरोपियों को 4 दिन के लिए और 3 आरोपियों को 3 दिन के लिए रिमांड पर लिया है। 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कि कुछ पोस्ट जैसे कुक मैसेंजर इत्यादि का पेपर था खड़का स्टेडियम में, उसमें हरियाणा व दूसरे प्रांतों के भिन्न भिन्न राज्यों से व हरियाणा के भिन्न भिन्न जिलों से कैंडिडेट पेपर देने के लिए आए हुए थे। कुल 17 कैंडिडेट है जो चेकिंग के दौरान पकड़े गए, जिनसे कुछ मोबाइल डिवाइस पकड़े गए हैं, जिस बेस पे रात FIR दर्ज की है। उनमें 17 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है और तफ्तीश के दौरान कुछ कैंडिडेट हैं जो फर्जी भी पाए गए हैं, जो दूसरों की जगह पेपर देने के लिए आए हुए थे। सर, किन धाराओं के तहत मुकदमा? इसमें हमने 420, 120वीं, 419 और IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके अब इनको पेश करेंगे कोर्ट में। माननीय न्यायालय से संबंधित आरोपियों का जो मेन आरोपी हैं उनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और इसके तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं, क्या रैकेट है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, उनके बारे में पूछताछ की जाएगी और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, क्या कोई आइडेंटिफाई हो पाया है कि कितने फर्जी है इनमें से? हाँ, अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हम डिस्क्लोज करना इस समय उचित नहीं है।